नमस्कार इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज उन्नाव। अपहरण कर हत्या करने वाले चार अभियुक्त गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त कार व आला कतल बांस का डंडा बरामद। थाना आसीवन पुलिस ने रसूलाबाद मुंशीगंज मार्ग से किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी बांगरमऊ के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना आसीवन पुलिस द्वारा अपहरण कर हत्या की घटना कारित करने वाले चार अभियुक्तगण को घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो कार व आला कतल एक अदद बांस का डंडा बरामद कर गिरफ्तार किया गया। दिनांक 9 मई 2023 को थाना आसीवन क्षेत्रांतर्गत ग्राम जखेला में युवक व युवती निवासीगण कायमपुर निवरवारा थाना आसीवन जनपद उन्नाव के शव आम के पेड़ से लटके मिले थे। मृतक युवक के परिजन की तहरीर पर थाना आसीवन पर MO/00074/2023 धारा 147/32/33/64/302/34 भादवी व 325 SC/ST एक्ट बनाम 07 नफर अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 11 मई 2023 को OO00 स्वदेश कुमार यादव व OO00 एजाज अहमद मय हमरा फोर्स द्वारा रसूलाबाद मुशीनगंज मार्ग के मध्य बनी पुलिया से मुकदमा उपरोक्त में वांछित प्रकाश में आए। अभियुक्तगण एक मधुरेश पुत्र स्व शून्य सर्वजीत सिंह उम्र 45 वर्ष 2 सानू उर्फ रोहित पुत्र राकेश सिंह उम्र 23 वर्ष 3 सरोज पुत्र स्व शून्य सर्वजीत सिंह उम्र 35 वर्ष 4 राहुल पुत्र छोटक के उर्फ राकेश सिंह उम्र 28 वर्ष समस्तनी शून्य ग्राम कायमपुर निबरवारा थाना आसीवन उन्नाव को गिरफ्तार किया गया तथा अभी शून्य गण उपरोक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो कार UP35U16181 व एक अदद डंडा आला कतल बांस का को ग्राम जखेला के शरीफ के आम के बाग से बरामद किया। थाना आसीवन के ग्राम कायमपुर निगरवारा में दिनांक 8 मई 2023 को हुई प्रेमी युगल की हत्या के संबंध में थाने पर 7 अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। इनमें से 4 अभियुक्तों को आज गिरफ्तार कर लिया गया है और इनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो कार और एक डंडा बरामद किया गया है और इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। शेष बचे हुए अभियुक्तों के विरुद्ध भी गहराई से विवेचना की जा रही है और मौके पर शांति बनी हुई है।